कम्युनिकेशन में तीन चीज मात्रे मैडम के पास वो क्वालिटी मैंने देखा है, वहां पर भी सुना है, यहाँ पर भी सुना है, बात करते समय तीन चीज महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले आपकी आवाज, होता है कि अमन पारेकर की जरूरत नहीं है, फुल स्पीड से आ जाइए, लेकिन कब आएगा जब आप प्रिपेयर करेंगे। हम प्रिपेयर ही नहीं करते, अपना मोबाइल से टाइम नहीं मिल रहा था, उनके साथ में लेक्चर ले रहा था, तब जाके एक आदमी तैयार होता है, तब जाके एक शिक्षक तैयार होता है, परफॉर्मर होता है ना वो, शिक्षक एक परफॉर्मर होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजकुमार राजकपूर का सर मैंने पिक्चर देखा था, मेरा नाम जोकर, उसको अगर पता चल जाता है किसकी माँ गुजर गई, कौन आता है, लेकिन कहीं गलत नहीं रहता, ऑडियंस को भी पता रहता है किसकी माँ गुजर गई, दोनों को पता है, इसको भी पता है, परफॉर्मर को भी पता है, राज कपूर को भी पता है कि माँ गुजर गई है, सामने भी लोगों को पता है माँ गुजर गई है, लेकिन वो ऐसा एक्टिंग कर रहा था कि लोग हैरान हो, लोगों की आंखों में आंसू आ रहे थे कि देखो यार बेचारे की माँ गुजर गई है, तो लोग बोल रहे थे कि इनकी माँ गुजर गई है। इमोशनल हाइजीन से बचिए, रोज आपके साथ कुछ ना कुछ होगा, रोज कुछ ना कुछ होगा। मैडम मैं एक जगह लेक्चर देने जा रहा था, सेंट जॉन इंजीनियरिंग कॉलेज, ऑटो से उतरा मैं, कारगर में है, ऑटो से उतरा और यहाँ से ऐसा पैंट मेरा कर, यहाँ से पैंट मेरा कर, मुझे भी पता नहीं चला, जब चल रहा था ये क्या ऐसा कैसा है, मतलब अलग ही लग रहा था वो, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए वो ऐसा नहीं, यहाँ से कट रहा था गाना वो, जिन्हें तमाम वैसे ही कपड़ा पहनते थे, यहाँ से कट रहता था, तो वो फीलिंग आ रही थी, वो फीलिंग उसी आ रही थी, लेकिन मैं लेक्चर देने गया उसी ड्रेस में गया, लेकिन तो भी आप रेनबो जेब्रा स्वतः सर कायदे नवीन, या तो सर एक किताब लिखिए मैथ्स के ऊपर, या तो सर मराठी में किताब लिखिए, हिंदी में किताब लिखिए, यूट्यूब चैनल बनाइएगा, कुछ तो भी ऐसा आपको करना है कि लोग आपको जानने चाहिए। ये स्कूल को बाद में, राकेश जैन सर को बाद में, लोग पहले दीपाली मैडम को जानना चाहिए। अच्छा वो दीपाली मैडम का स्कूल, हाँ वही दीपाली मैडम का स्कूल, अच्छा वो क्या है इसलिए रणजीत इसलिए सर जी शाह ये अपना क्या नाम है भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी शाह, हाँ तीस शाह सरिता पाटिल मैडम जी शिकवते तीस का शाळा, हाँ तीस शाळा ते त्याला राकेश जैन शाळा म्हणतात, अच्छा तीस शाळा का देव आशा मैडम है उधर, वो स्कूल क्या जहाँ पर वो भगवान सर है, वो स्कूल जहाँ पूजिका मैडम है, वो स्कूल जहाँ यादव मैडम को पढ़ाती है, वो स्कूल जहाँ पे आदित्य सर है, वो स्कूल जहाँ पर वल्ली सर है, वो स्कूल जहाँ पर वो संगीत सिखाते हमारे रमेश सर है, वो स्कूल जहाँ पर ऐसा लोग बोलना चाहिए। पर क्या मैडम अपने नाम से ये स्कूल का नाम बाद में पहला नाम आपका आना चाहिए, इसको बोलते हैं रेनबो जेब्रा। एक किताब लिखनी है आपको, एक किताब लिखना है, एक ही दिन में किताब लिख सकते हैं, आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है लिखा आपने किताब कभी, कब तक बाल भर्ती का पढ़ाएंगे अपना कि खुद का बढ़ाते ना, बाल भर्ती में आपकी जरूरत है सर, तो उसके सर अभी कहते हैं सर अभी आप जाके आए, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेन कौन है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, मालूम आपको डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजस्थान के अलवर के, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग उन्होंने दिया, मेरी पहली कंपनी थी, अभी मैंने सरेंडर कर दिया, दूसरों को दे दिया, हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के काम करते हैं, और ट्रेनिंग हमें मिला शहनशाह से, जो शहनशाह माने जाते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, उनको डॉक्टर रोमन मैक्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है, इससे सम्मानित है, उन्होंने हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ट्रेनिंग दिया है। मैं आपको यही बता रहा हूँ, आपको एक किताब लिखना है, एक्सपर्ट बनिए, जब एक्सपर्ट कब बनेंगे मैडम आप, एक्सपर्ट कब बनेंगे लोग, कब बोलेंगे आरती मैडम एक्सपर्ट है, कब बोलेंगे आरती राकेश मैडम एक्सपर्ट है, कब बोलेंगे लोग, कब बोलेंगे, हाँ नहीं खुद से कोशिश करेंगे तो नहीं एक्सपर्ट कब बोलेंगे आप, एक्सपर्ट है हाँ नीर मैडम, कब बोलेंगे आप एक्सपर्ट है, हिंदी में एक्सपर्ट है, कब बोलेंगे आप, क्या प्रकाशन करेंगे, आपके सामने पब्लिशर बैठे हुए हैं, बस किताब तो लिखना है, 50 पेज तो लिखना है, 50 पेज तो लिखना है, 80 पेज तो लिखना है, और मैं आपको मालूम है राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिलता है, उसमें एक कैटेगरी, उसमें एक और चीज रहती है, डैनी पुस्तक ले जाएगा, डैनी मोनिका मैडम की पुस्तक ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, चला साइड लग करा, चला एप्लीकेशन साइड लग करा, चला नंतर कोड़े, अरे हाँ तो दिनेश गुप्ता है, कितनी लीले पुस्तक, 19 पुस्तक लीला, अरे क्या कह रहा, जबकि मेरे को आता नहीं कुछ, लेकिन पुस्तक कितनी लीला है,
19 आ गया ना, कुछ तो चांसेस आ गया ना, राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए, महाराष्ट्र पुरस्कार के लिए, नगर सेवक पुरस्कार के लिए, सरपंच पुरस्कार के लिए, गली लेवल का पुरस्कार के लिए, कुछ तो जाएगा। और नहीं भी गया तो कम से कम एक्सपर्ट तो बन जाएंगे आप। आप एक्सपर्ट कब कहलाएंगे सर? जब आपका सोशल वो जो आपने बीएससी और बीएड किया हुआ है उसके अंदर आपको किताब आएगा, मराठी में लिखो ना सर। जरूरी नहीं कि नहीं, माजा तो कैसा है थोड़ा सा आपको